ओके सो हाय गाइस, व्लॉग हो रहा है। अभी मैं निकल रहा हूँ बाहर, गर्मी काफ़ी है यार आज भी, और पंचर की दुकान बंद है। मेरा पिछला टायर शायद पंचर है, बार बार इसमें से हवा निकल रही है, तो ये चेक कराना है। उसके बाद जा रहा हूँ तनिष्क के पास। रोमान नहीं होगा क्योंकि उसके रोज़े चल रहे हैं ना, पानी भी नहीं पी सकता वो, तो इतनी गर्मी में कहाँ ही जाएगा। तो अभी सबसे पहले टायर चेक कराना है, उसके बाद कहीं घूमने निकलना है, उसके बाद मुझे 2:30 बजे छन्नी पहुंचना है, किसी काम से अपॉइंटमेंट है। तो अभी तक तो यही पता है, अब देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं, कैसा रहता है। फिलहाल टायर वाली दुकान पर पहुंचूँ सबसे पहले, आज मैं लेट हो रहा हूँ, ऐसे तनिष्क होता ना, आज मेरी बारी लेट होने की। पे देखना यार, पिछला लाइट बंद है। हेलो, ओ यार ये पिछला टायर पंचर है, आ रहा हूँ रुक जा रहा हूँ। ओके सो गाइस, यहाँ पे लाइट ही नहीं है, हम निकलते हैं। फिर एक और है यहाँ पे दुकान, वहाँ भी ट्राई मार लेता हूँ, वहाँ भी नहीं हुआ तो फिर निकलता हूँ ऐसे ही, फिर गाड़ी कहीं से डलवाते हैं। हवा भरेगी यार, हवा है? नहीं नहीं कम है, पंचर है शायद। अभी हवा भरा के निकल रहा हूँ यहाँ से, पंचर हाईवे में लगवाते हैं क्योंकि बंदा कुछ ज़्यादा ही स्लो था, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ यार, तो पंचर आगे से लगवा लेंगे। अभी तनिष्क के घर पहुँचता, उसको 12:30 बोल रहा था, अभी शायद 12:40 हो गए हैं। अभी हवाई भरा के आया हूँ खाली, पंचर वाला भरा टाइम ही ना लगा रहा था मैं, वो गफ्फा देगा मेरे को जो वहाँ वेट कर रहा है। चलो फिर चेंज कराया क्या? ऑन नहीं भाई, चलो कभी बजाया नहीं ना, पहली बार सुना तूने। चलो अभी निकल के आगे मिलता हूँ आपसे। ओके सो गाइस, अभी रेडी चुंगी पहुँच गया, यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ता नाका वाका नहीं हो, बोलते हैं ऐसे एक दोस्त के लिए छोड़ तो देते हैं बाद में, पर बड़ी देर से खाते हैं। तो अभी जगह नहीं डिसाइड हो पा रही, टाइम का थोड़ा इशू है क्योंकि 2:30 बजे छन्नी पहुंचना ही पहुंचना किसी भी हालत में, तो अगर हम हाईवे कटरा वाले साइड निकल गए तो लेट हो जाएंगे। देखते हैं, अभी पहले तो पंचर वाला काम कराऊँ। हाँ यार लोकेशन डिसाइड कर लेते हैं, कोई पता नहीं यार, तू देख ले अपने हिसाब से। पंचर तो है, बार बार हवा निकल रही है, पंचर है इतना पता, अब पंचर ढूंढ। क्या करना है? चलो पंचर लगवा के मिलता हूँ आपसे, जगह भी डिसाइड करते हैं। ये पुराना ही पंचर लीक है, यहाँ क्या है किल लगा है। ये लगा हुआ है क्या कुछ? कील है, कील है। हाँ चलो फिर, डबल लगे है इसमें, सिंगल डबल लगे, ऐसा क्या हो गया यहाँ पे? बड़ा पंचर है ना, पहले का इसमें दो लगा हुआ। तो परावा ये तो ऐसे हवा निकल रही है गोली की तरह। चलो हो गया, करो चेक, ठीक है। चलो 150 का फटका यहीं पे लग गया, अभी फ्यूल भी डलवाना है, देखते हैं। यही दुकान पंचर की दुकान खोल लेते हैं, 50 रुपए का पंचर, अपना क्या लगता है वो, खाली रबड़। This is business. चलो चलते हैं अब आगे, अभी टाइम क्या वो देखना, उस हिसाब से देखते हैं कौन सा रास्ता पकड़े। 1 बजा तो यहीं से चलते हैं, थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, मेरा टाइम पास हो जाएगा। ये पहुंच गया अपने गोल गोल वाले रास्ते पे जो हाईवे निकलेगा। चलो पहले हम यहाँ जाने की सोच रहे थे पंजाबी हवेली, पर अब यहाँ से हो रहे हैं नीचे, क्योंकि जल्दी जल्दी में घूमने का मज़ा नहीं आएगा, 2:30 बजे किसी भी हालत में छन्नी पहुँचना है, तो ऐसे ही जल्दीबाजी हो जाएगी ना, इसलिए हम जल्दबाजी डाल नहीं रहे, हम जा इस साइड रहे हैं, इस साइड कहीं बैठेंगे और इसी साइड फिर काम निपटा के उसके बाद देखते हैं, अगर कहीं भी निकलना होगा तो निकल जाएंगे, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। तो अभी ऐसा कुछ माहौल है, चलती बाइक में गर्मी नहीं लग रही,
वैसे आज मैंने सनस्क्रीन वगैरह लगाई है, बाजू काफ़ी ज़्यादा काली हो गई मेरी, इतना काला मैं हूँ नहीं वैसे पर धूप में घूम घूम के हो गया हूँ। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। और आजकल रेगुलर ब्लॉग मैं डाल नहीं पा रहा क्योंकि मेरे कॉलेज वाले पेपर ख़त्म ही नहीं होने दे रहे, बढ़ाई जा रहे हैं, डेट कैंसिल करके नई डेट, फिर डेट कैंसिल करके नई डेट। तो ऐसा चल चल के अब 8 तारीख को मेरा पेपर है, अब उसके बाद 2 वाइवा और रहते हैं, उनकी डेट ही नहीं आई अभी तक, पुरानी डेट्स कैंसिल हो गई, नहीं आई नहीं। तो बस इसी चक्कर में मेरा ब्लॉगिंग वाला काम थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, पर कोई नहीं, अपने से पूरी कोशिश कर रहे हैं जितना हो पा रहा है, करेंगे। ये देखो फाइटर। अच्छा तो अभी आने वाला आगे सिद्धा हाईवे। चलो आज मौसम ऐसा है कि बस मन कर रहा है ऐसे बाइक चलती रहे हल्की हल्की, और मज़ा आ रहा है ऐसे ही चलाने में। और ये फूल देखो नए हो गए, ऐसे ही लग रहे हैं ना, पहले खाली टहनी रह गई थी, पर अब पिंक कलर के फूल हो गए और बड़े सही लग रहे हैं। बाकी मौसम मैंने आपको बता दिया, गर्मी नहीं लग रही, चलती बाइक में तो खड़े होके लग जाएगी। सिद्धा वाले पेट्रोल पम्प से पेट्रोल डलवा लेता हूँ क्योंकि एक ही सेल बचा है, आगे से भी डलवाना ही है तो यहीं से डलवा लेते हैं। रेट देख रहे हो पेट्रोल का, 106 रुपये, 200 का डाल दो। 200 का? हाँ जी, ये 105 था ना कल, कितना जाएगा अभी? रोज बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब बाइक भेज दूँ? साइकिल चुक लें, इलेक्ट्रिक ही लेनी पड़ेगी, साइकिल चुकना पड़ेगा भरावा। पर ये जो मिरर लगवाए थे मैंने, मुझे लगा था खाली शो के लिए ही है, पर ठीक काम कर रहे हैं यार, है विजिबिलिटी। और इसमें मुझे क्रैक लग रहा है, नहीं क्रैक नहीं था, कुछ लगा हुआ है, धूप में लगी होती है ना तो क्रैक पड़ भी सकता है, यहाँ बॉडी पे पड़ गया हुआ है, करना पड़ेगा इसका भी कोई इलाज। थोड़ा हाइड्रेट हो जाते हैं दिनेश भाई, पर ठीक है, इतनी कुछ वो नहीं है, गर्मी है नहीं, चलती बाइक पर तो नहीं लग रही। अब क्या, अब कौन सा टैटू बनवाना है, रिवील करो ना भाई, कहाँ पर? चलो चिकन जी पीके भी निकल गए हैं, अभी ये चला रहा है, मैंने बोला इसको आराम आराम से चलने दे, 6 में गियर पे। आज तेज़ वाला मूड नहीं है यार, पता नहीं, आज बिल्कुल ऐसे आराम से इजी। रोमा आ गए अभी हम, चलो अंदर। इधर ठीक है, नीचे ऊपर नीचे, देखो ये अलग है कुछ। हाँ ये मॉकटेल है। अच्छा ये मॉकटेल है, दिखाना वो भी 1 मिनट। भाई साहब ऑर्डर देख रहे हैं अभी, अरोमा पहुंच गए हैं, पर यहाँ मैं हेलमेट पहन के ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, काफ़ी अजीब लग रहा होगा तो पहले दिखा नहीं रहा तुम। ये देख लो यहाँ का मेन्यू, गोप्रो सही है, एक ही फ्रेम में सब कुछ आ रहा है, दोनों साइड सेम है। हाँ शायद मेरे को सेम लग रहा है, डिमसम नहीं अलग है, पहले देख। चलो आगे मिलते हैं, अब अभी चाउमीन आ गया, अभी थोड़ा और सामान मंगाया, अब थोड़ा खाना पीना शुरू करते हैं। ओके सो गाइस, अभी खा पी के आ गए हैं बाहर, और 2:30 भी बज गए हैं, अब चलते हैं काम से, फिर निपटा के आके देखते हैं। कलोल बतानी है नहीं क्या हुई तेरे साथ बड़ी तगड़ी चीज़ हुई है अंदर, पर तनिष्क भाई कह रहे हैं नहीं बतानी, चलो रहन देते हैं थोड़ा। मेरे साथ नहीं खाली हुई है पर तेरे साथ ज़्यादा हुई है ना भाई, बता भी देंगे क्या हो जाएगा हाँ गलती तो हमारी नहीं है। ओके सो गाइस, अभी निकल आए हैं और खा पी छन्नी में लिया, काम शाम निपटा लिया, अब सोच रहे हैं हम अंदर अंदर ही वापस चलते हैं त्रिकुटा नगर वगैरह वाली साइड से, क्योंकि आए तो हाईवे से थे, बस अब यहाँ छन्नी हिम्मत वाला मोड़ यहीं से होना ना अंदर है भाई, अंदर यहीं से होना है। वेरी गुड, अलग ही नशे हैं नहीं। अभी रुके हैं गांधीनगर वाले नेस्कैफे में,
यहाँ हमें स्टिकर का भी पूछना है यार, स्टिकर बनते हैं कि नहीं। और साथ में फिलहाल नेस्कैफे आइस टी, मेरे पीने का तो मन नहीं है, वो कह रहा पीते हैं पीते हैं पीते हैं, हमें चलो फिर पी लेते हैं। तो मेरे स्मॉल ही लिए और अभी पीते हैं, और फिर फ्लैक्स बोर्ड का पूछता हूँ मैं। मुझे फ्लैक्स बोर्ड नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली चाहिए स्टिकर। यूट्यूब वाले बनवाने हैं, लेकिन मैंने सुना यही बनाते हैं जो फ्लैक्स बोर्ड वगैरह बनाते हैं, तो इनको पता होता है। या फिर चलो पूछ के ही पता चलेगा। ऑनलाइन में देख रहा था 50 रुपये का एक स्टिकर बोल रहे थे, मैंने थैंक यू वेरी मच, इतना स्टिकर होता 50 रुपये का। ये बॉय, चलो पी लेता हूँ, हेलमेट खोलनी पड़ेगी। अभी ये पीछे रंजीत जो है इस दुकान से पूछा हमने, तो ये कह रहा 15 का एक स्टिकर पड़ेगा, थोड़ा ऐसे मतलब एस्टिमेट दिया उन्होंने। तो लगा लो 100 लेने होंगे तो 1500 के 100 स्टिकर मिलेंगे, तो ठीक ही है वैसे, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। कह रहे हैं पेपर वाले भी होते, ये तो विनाइल वाले थे ना, कहते पेपर वाले भी होते हैं वो सस्ते पड़ जाएंगे, पर डेमो था नहीं, मतलब ये काम नहीं ना करते पेपर वाला, तो कहते हमारे पास नहीं होंगे, क्योंकि अगर देखता फिर ही पता चलता ना कि नहीं फ़र्क है। पर जिन्हें मेरे को लगता है पेपर वाले ऐसे ही होंगे, बेकार से सही विनाइल वाले ही होंगे। तो चलो देखते हैं कैसा रहता है, अभी डिज़ाइन भी करना पड़ेगा लोगो, थोड़ा यूट्यूब का मैं सोच रहा था स्टिकर बनवाने का, देखते हैं। अभी आए हैं यहाँ पे स्क्रीन गार्ड डलवाने, इसने टेम्पर डलवाना है और मैं भी डलवा रहा हूँ। अभी पहुँच गए रेहाड़ी, तनिष्क को उतारेंगे और फ़ोन के मैंने ओहो बच गए। अच्छा इसका स्क्रीन गार्ड टूट गया था, वो डलवाया, साथ में कवर भी देख लिया, एक अच्छा लग रहा है, बताना कैसा लग रहा है ये पहले वाला, ये तो मुझे बड़ा पसंद है, मैंने पूर्व से लिया था। और ये चलो देखते हैं कैसा रहता है, अगर आदत हो गई ठीक है, नहीं तो फिर से ये लगा लूँगा, बताना कैसा लग रहा है। ठीक है ठीक है, अभी तरीश भाई को उतार रहे हैं फिर हम। ओके ब्रो, जल्दी मिलेंगे, मिलते हैं कल परसों ही। हाँ पेपर दे लूँ एक बार, कल नहीं पेपर है, कल तैयारी है, परसों पेपर है। चलो 10 को अब मैं भी जल्दी। हाँ अपनी ये रह गई यार अरोमा वाली, कांड नहीं बताना अरोमा वाला। भाई आज हमारे बड़ा गंदा कांड हुआ, मैं ही बता देता हूँ। अच्छा बता रहा है, बता बता। हमने ऑर्डर किया सूट, फिर किया था हमने नवरात्रे पे, पर हमारे आ गया है नॉन वेज, और हमने पी भी लिया, पिया नहीं था चखा था, चख लिया था। हाँ। उसके बाद इसने मेरे को कहा कि नॉन वेज लग रहा है, मैं ये मैंने कंफर्म किया, वो मैं तो हंस के जा रहा है, तू कर गया, अब तो हंस रहा है। फिर हमने वेज मंगवाया, फिर हमने वेज तो ही नहीं होता है, माफ करे। ओके सब इसको भी उतार के निकल गया हूँ, अब चला घर। ओके अभी जा रहा हूँ घर में, और यहाँ सरवाल से निकल रहा था ना, मुझे याद आया कल एक भाई मिला था अपना, हर वीडियो पे कमेंट वगैरह करता है और घर के पास ही रहता था थोड़ा, तो उसका मैंने नंबर लिया था, क्योंकि वो 2-3 बार मिला और पता नहीं कैसा मिलता है वो, उस दिन में ब्लॉग ही नहीं बना रहा था, फिर वो ब्लॉग में आ नहीं पाता, इसलिए मैंने उसका नंबर लिया था। अभी इसको कॉल करके देखेंगे। तेरे पास पक्का नहीं यार, कसम से स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, नहीं है। अच्छा आवाज़ से पहचान लिया तूने? हाँ जी। आज व्लॉग बना रहा था मैं, भाई की याद आ गई, कहाँ है? घर पे। चला आ रहा हूँ, उससे आना 2 मिनट बाद, ठीक है? ओके पहुँच गया बस मैं 1 मिनट में। आ रहा हूँ। ओके भाई के पास मेरा नंबर भी नहीं था यार, उसे आवाज़ से पहचान लिया। चलो अभी जा रहा हूँ उसके पास, फिर मिलते हैं आपको। ये यूट्यूबर ठीक है। ओके ओके मानिक व्लॉग्स, बाय बाय। ओके अभी मानिक भाई मिल गए थे, अभी निकाल रहा हूँ यहाँ से। ये निकल रहा था, निकलने वाला था डांस के लिए, सही टाइम पे फ़ोन किया फिर मैंने। आज तू व्लॉग में आ रहा, मास्क उतार, रिवील कर अपना चेहरा। हाँ बस मेरी नहीं सुना करो भाई, इनकी सुना करो। मेरा भी यार, मेरा भी कर दो। बोलना बोलना निशात वाईटी। हाँ कमेंट में भाई हमेशा कमेंट करता है। अभी डांस सीखने जा रहा भाई, डांसर भी है नहीं। मेरा नंबर नहीं दे देना किसी को बाकी, ठीक है? अब आ गया, तूने कैसे पहचान ली मेरी, कभी बात ही नहीं की हमने। अच्छा अच्छा, मतलब जैसी वीडियो में वैसी आ। हाँ सही बात है, वीडियो से तो पता चल ही जाता है भाई कौन से मौसम की गुड्डी उड़ा रहा है। गर्मी के मौसम की। अभी जा रहा है सरवाल डांस सीखने जा रहा है। वहाँ क्या डांस क्लास यूनिक? अच्छा अच्छा वो वाली वॉशिंग। चल ठीक है फिर, अभी लेट हो जाएगा, मैं आज व्लॉग बना रहा हूँ, आज मिल के जाऊँगा, ठीक है? चलो भाई को भी करो। चल ठीक है, ओके।
बाय बाय। अभी मिल लिया भाई को भी, अब चला मैं घर। अच्छा लगा भाई से मिलके। ये इसको मैंने बोला था मैं जब भी ब्लॉग बनाऊंगा ना, जिस दिन भी तेरे से मिलने पक्का आऊंगा, क्योंकि ये मैं बंदा मेरे को तीन बार मिला। सबसे पहले तो होली वाले दिन मिला ना उस ब्लॉग में आया, फिर उसके बाद तीन बार मिला और मैं तीनों दिन ब्लॉग नहीं बना रहा था, तभी फिर मैंने नंबर लिया था मैं फ़ोन करूँगा जिस दिन बना रहा। कल भी इसी टाइम मिला मुझे, डांस सीखने जाता है ना रिहाड़ी वाली साइड, उसी टाइम मैंने फिर नंबर लिया था। और ये सही था यार, उसने मैंने बोला हेलो, कहता हाँ। अच्छा आपने वैसे सुन ही लिया होगा वीडियो में, स्टार्टिंग करनी है बस थोड़ा सा। मैं कौन बोल रहा हूँ बता, कहता यूके। सही है यार, चलो अभी चले घर, फिर देखते हैं आगे कैसा रहता है, नहीं तो यही एंड कर देंगे। आ गया आ गया आ गया आ गया। तू मेरे से प्यार करने आया या बाहर भागने आया पहले ये बता। हैं मेरे से प्यार करने आए या बाहर भागने आए बता पहले मुझे। हाँ हाँ अभी पहुंच गए घर पे, अभी रेस्ट करते हैं थोड़ी देर। और ये 390 के कल उतारे थे ना, लुक बताऊंगा बाइक की भी मैं, अभी तो चलो भाई के पास है, जब आएगा तो फिर बताऊंगा कैसी लग रही है। मुझे तो बड़ी सही लग रही है, क्योंकि मुझे शुरू से बड़े बेकार लगते हैं, वेट ही कर रहा था कबूतरे, बताऊंगा इसके बिना कैसी लग रही है। चलो ओके, अभी और कुछ तो हुआ नहीं, कहा तो मम्मा को दिखाने गया था, थोड़ा गांधीनगर तक अभी आ गया हूँ घर, ऐसा ही कुछ थी। आज की वीडियो करते हैं ब्लॉग में ये पेंट, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय।